एक लंबे समय पहले एक गांव में नीतीश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में नया आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही हैं, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब कीर्तना घर पे उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके पति को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था मैंने बस। अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया, हमारे ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना, क्यों ना हम वो शुरू करें? तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी, अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गरम गरम तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान को जाते हैं। नीतीश तब सबको गर्मा गर्म ताजा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब पड़ोसी दुकानदार राघव सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि गांव को नए आके तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत लोग आके खाके इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पे मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है। उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई। जी भैया, आ रहा हूँ। रघु, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया, हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देख के लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो मैं हूँ ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के अपने भाई को उनके पास लेके जाता है। आप क्या इस गांव में नए आए हो जी? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी व्यापार शुरू करेगा, इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर अब आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलके व्यापार करो, आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गांव में नए आए हैं। अगर इस आदमी के भाई ने हमारे ही सामने मुकाबला करने के लिए नया दुकान लगाया तो सारे लोग उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान चले जाएंगे। पर अगर मैं उस आदमी को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा, हम तीनों मिलकर यह व्यापार करेंगे। रघु, अब उनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है?
ऐसे कह के वहाँ से चले जाता है। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी, रघु आए हुए ग्राहक को वो पहुँचाता था और नीतीश उन सब से पैसे लेता था। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में लाभ आके बढ़ जाता है और उस गांव में कीर्तना के हाथों का तंदूरी चिकन बहुत प्रसिद्ध होता है। हमेशा की तरह नीतीश पैसे बांट रहा था और रघु को उसके पैसे मिले थे। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो मुझे और पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो तंदूरी चिकन कैसे बनाती है, तो मैं भी उसे अब बना सकता हूँ। मुझे इस गांव के सारे लोग पता है, तो पक्का सभी मेरे ही दुकान को आएंगे। रघु, पैसों को जेब के अंदर डाले बिना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा, मैं खुद से व्यापार शुरू करूंगा। हम तीनों अच्छे से ही तो व्यापार कर रहे हैं, क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से व्यापार शुरू करना चाहते हो? मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे जो पसंद मैं वही करूंगा। ये कह के वहां से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था अब वही हुआ। इसी डर के कारण तो मैंने इस आदमी को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुरंत ही रघु उनके दुकान के सामने उसके नए तंदूरी व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए और लोगों को काम पे लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ऐसे तंदूरी भी वही बनाता था, लोगों को वो ही पहुंचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन कीर्तना जितना स्वादिष्ट तंदूरी नहीं बना पाया और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। ऐसे व्यापार शुरू करने की थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाना रघु को बहुत दुखी कर देता है। रघु, ऐसे ना हो इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया, तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया, पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो वो अच्छा है। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। जी भैया। ये फैसला करके रघु और राघव दोनों मिलके नीतीश के पास जाते हैं। मैंने पैसों की लालच में ये भूलकर खुद का दुकान शुरू करने चला गया कि आपने मुझे आपके व्यापार में समान हिस्सा दिया, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस ले लूंगा। आइंदा कभी ये वहम में नहीं रहना कि सारे काम तुम खुद कर सकोगे। जी हाँ, आप सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की गलतियों को आपने माफ किया और वापस व्यापार में साथी बनाया। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी, रघु और नीतीश बाकी के सारे काम करते थे। चिकन के व्यंजन में अलग प्रकार बना के बेचने पर जो पैसे उन्हें मिलते थे उनसे वो उनका जीवन खुशी से बिताते हैं।